खातिन हजरा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सीरीज सी एस फाइव जीरो सेवन का पैतालीसवा और आखिरी लेक्चर मुजाहिदाही के साथ आज जिस मौजू पर हमने गुफगु करनी है दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू एन आई टी इन्वायरमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन It is in fact, an issue or issues which are related to every walk of life Ye issues ya issues ethical behavior ke issues hai, ethics ke issue ye issues privacy ya confidentiality. ऑफ़ इंफॉर्मेशन के इश्यूज हैं ये इश्यूज सिर्फ आईटी की वजह से या ईआरपी की वजह से जो हैं वो नहीं आए बल्कि ये इश्यूज हमेशा से हमारे साथ हैं कोई भी शख्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है तो उससे तो ये की जाती है कि जो भी वो काम कर रहा है उस काम के बारे में किसी से जाकर वो बाहर जिक्र नहीं करेगा क्यों कि वो काम और उस काम के हवाले से जितनी इंफॉर्मेशन है उसके पास है वो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करती है उन्होंने आपको उसमें शेयर करने की इजाजत दी है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट दैट दे हैव शोन इन योर सेल्फ लिहाजा आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई चाहे उसको आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें या कुछ और कहें जी आप ने वो इंफॉर्मेशन अपने इदारे के बारे में किसी दूसरे को नहीं देनी अनलेस यू हैव स्पेसिफिक परमिशन टू गिव दैट इंफॉर्मेशन टू अ थर्ड पार्टी और अनरिलेटेड पार्टी इसी तरीके से जो आप काम कर रहे हैं उस काम में गलती करना दानिस्ता तौर पर गलती करना इस ख्याल से एक एरर्स क्रिएट करने उस सिस्टम के अंदर प्रोसीजर के अंदर के जी जो ओनर्स हैं मालिक हैं या दूसरे जो लोग आपकी इंफॉर्मेशन पे बेस करके मजीद काम कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचे तो ये तमाम तर इशूज जो हैं ये हमें ये गलत कहलाते हैं और इनकी प्रैक्टिस को डिस्करेज करना जो है वो हर मैनेजमेंट का हर जी शूर और एथिकल शख्स का फर्ज है हमें बहुत दफा दोस्त रिश्तेदार वगैरह कहते हैं कि ये बात हम आपको बता रहे हैं लेकिन किसी से जिक्र मत कीजिएगा अगर हम जाके सारे पाकिस्तान के अंदर उसका जिक्र शुरू कर देते हैं और हर एक से वो बात करना शुरू कर देते हैं तो वो जो ट्रस्ट है वो जो फेथ है वो कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर हो गया नंबर एक और वो जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं कंप्यूटराइज एनवायरमेंट के हवाले से बात करते हैं ई e कॉमर्स के हवाले से बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के हवाले से बात करते हैं तो ये इशूज जो हैं ये बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाती हैं और ये जरूरत बन जाती है कि ये तमाम चीजें जो हैं इनको अटेंड किया जाए इनको देखा जाए कि जी वो इम्कान वो पॉसिबिलिटीज को किस हद तक और किस तरीके से और कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं लोगों की हर किस्म के लोगों की इंफॉर्मेशन हर किस्म की ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है वो बड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो इसलिए नहीं होती कि हर एक के साथ शेयर की जाए बैंक अकाउंट्स हैं बैंक बैलेंसेस हैं क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं लाइसेंस नंबर्स हैं मुख्तलफ बेतहाशा मेडिकल प्रोफाइल्स हैं हर चीज जो है वो उस इंडिविजुअल के हद तक एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो दुनिया के साथ शेयर करने के लिए नहीं वो जिसको दी जाती है वो इस अन... सोच से दी जाती है कि इस इंफॉर्मेशन को एहतियात से रखा जाएगा और इसका मिसयूज नहीं होगा मिसयूज करने वाले कौन हो सकते हैं जो एम्प्लॉज वहां पे काम कर रहे हैं क्यों? क्योंकि अब इंफॉर्मेशन दट दे हैव हैज बिकम अ सोर्स ऑफ पावर और हमने बहुत दफा सुना और देखा कि जी इंफॉर्मेशन आई और लोगों ने एक्चुअली ब्लैकमेल करने की उन लोगों को कोशिश की अब ये किसी तरीके से एक शरीफाना बिहेवियर जो है तस्वुर नहीं किया जा सकता ये जुर्म है और यही जुर्म जो है बिकॉज यू आर सिटिंग एट द हब ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर सिटिंग ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव ए नॉलेज यू आर प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन आप उसको मिस यूज कर रहे हैं मिसयूज करना जुर्म किसी भी चीज को मिस यूज अपनी पोजिशन को मिसयूज करना अपने इख्तियार मिसयूज करना इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है उसको मिसयूज करना फॉर योर पर्सनल बेनिफिट और फॉर जस्ट द सेक ऑफ क्रिएटिंग Situation. Electronics, systems, computers, everybody is using them. The governments are using them. The workplace, organizations, the way we work, they are using. And the information a lot of times that these people have and do have relate to the private lives of the individuals of the ordinary people which are not to be shared with anybody but what is the problem? the information you, I, anyone is sharing with these institutions I am sharing my demands for the raw material with you for the next whole year which can give my competitor if he gets hold of that information

लाइफ्स को इफेक्ट करते हैं इनकी जो अकरंस, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बेतहाशा तब्दील हो चुका है और इसलिए एथिकल और लीगल डिसीशंस आर नेसेसरी टू बैलेंस द नीड्स एंड राइट्स ऑफ एवरी वन तो ये एथिक्स के हवाले से एथिक्स बेसिकली एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कि हमने किस तरीके से क्या काम करना है या क्या जिंदगी बसर करनी है या कैसे करनी है। अगर हर शख्स यह समझे कि वो जैसे जी चाहे कर सकता है क्योंकि उसकी मर्जी है कि जी ऐसे होगा तो इंतजार होगा सड़कों के ऊपर लेंस बनी होती हैं लेंस क्यों बनी होती हैं इसलिए कि आप उन लेंस का के हिसाब से चले उनके अंदर चले डिसिप्लिन ट्रैफिक अदरवाइज मेस क्रिएट करेगी अगर हर शख्स जो है कोई इधर से दाई लेन से बाई लेन में जा रहा है बाई से दाई में जा रहा है कोई सीधा जाने की बजाय वापस मुड़ रहा है क्योंकि जी मैं मुड़ना चाहता हूं और यह हमारी सड़कों पे आजकल हाल है तो सड़क पे भी गाड़ी चलाने के लिए अपने घर में अपने बच्चों के साथ बिहेव करने के लिए हर चीज के लिए एक तरीकेकार होता है क्या बात बच्चों के सामने करनी है क्या नहीं करनी किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करनी है ये नहीं करनी ये सब चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हो जाती है एथिक्स जो कि बेसिकली एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके हवाले से ये आज की गुफ्तु होगी और इसमें सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फिडेंशियालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ये तमाम चीजें इनके बारे में हम डिटेल से गुफ्तु करेंगे एथिक्स जैसे मैंने कहा कि बड़ा सिंपली इट्स अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट लेकिन बेसिकली एथिक्स जो हैं वो मॉरल चॉइसिस हैं मॉरलिटी की जिस वक्त हम बात करते हैं तो उसमें गुड और बैड का तस्वर आ जाता है दे आर मॉरल चॉइसेस मेड बाय इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड रूल्स गवर्निंग मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन डॉक्टर्स हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं और दे आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव अकॉर्डिंग विथ दैट ओथ फौज में जो भर्ती होता है वो भी ओथ लेता है जो मुल्क चलाने के लिए किसी पर मनसिब एफ होता है वो भी ओथ लेता है वो ओथ जो है इन इट सेल्फ इज अ कॉम्पैक्ट कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड बिहेवियर एथिक्स आर प्रिंसिपल्स एंड रूल्स कंसर्निंग ड्यूटी Duty to whom? Society, profession, business, the public at large. Ethics is about how we ought to live in a fashion, in a manner which does not cause harm to anybody else, which does not encroach on other people's rights, which does not.

कंट्रोल कर रहे हैं आपके पास एक्सेस है बहुत सारी इंफॉर्मेशन का अगर वो आप उसकी एहतियात नहीं करेंगे उसमें संभाल के नहीं रखेंगे तो मिसयूज होगा और मिसयूज ऑफ डाटा और प्रिवेसी ऑफ डाटा जो है ये दो बड़ी प्राइम कंसिडरेशन हैं इन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है अभी कुछ देर कुछ दिन पहले आपने भी पढ़ा होगा कि यूरोप के एक मुल्क ने शायद जर्मनी था उसने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोबाइल को का इस्तेमाल जो है उस मुल्क में बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें यह खदशा है कि उसके जरिए सम अदर गवर्नमेंट में बी एबल टू लिसन एंड पिकअप इंफॉर्मेशन Which is privileged information for that country in Europe. So international considerations we very much. So, And considerations be very much. So, international considerations be very much. So, international considerations be very with the advancement of technology, issues have become sophisticated, and naturally the remedies or the solutions to curtail such misuse have also developed with the passage of time. The Information System Security Association of USA Ne jo ethical Challenges list kiye, wo kuch ye. Misrepresentation of certification, your skills, abuse of privileges, inappropriate monitoring, withholding information, divulging information inappropriately, overstating issues, conflicts of interest, management.

आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां पे जो लोग काम कर रहे हैं जो डाटा कलेक्शन हो रही है उसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही या कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग नहीं हो रही इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ रिस्क एज मच एज पॉसिबल रिस्क फ्री एनवायरमेंट वो भी प्रॉब्लम हो जाती है जब आप किसी क्योंकि आप साथ कह रहे हो कि जो आप इंफॉर्मेशन देंगे वो हम बड़ी सिक्योर रखेंगे तो प्रॉब्लम हो गई इंफॉर्मेशन दायनिस्ता तौर पे उन लोगों से रोकना कि जिन लोगों को आपको इंफॉर्मेशन देना है ये एक अनाथिकल बिहेवियर इंफॉर्मेशन गलत लोगों को देना ये भी गलत है एग्जेजरेट करके अपनी पोजीशन को जाहिर करना काम करने वाले हमारे पास चार हैं हम कहते जी हमारे पास चार सौ बंदा जो है वो चौबीस घंटे काम करने में मसरूफ ओवर स्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं कई दफा मैं किसी ऐसे हवाले से किसी ऐसी सिचुएशन में बैठा हूं कि जहां पे जो इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है मैं उसके बारे में बहुत कुछ और भी जानता हूं प्राइवेटली जानता हूं पर्सनली जानता हूं क्या वो पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैं मिस कर सकता हूं क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का केस खुद डिसाइड करूं तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या मेरी फर्म जो है या मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसके लिए मैं काम करता हूं वो एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बहुत से काम कर रही है तो क्या मैं ये एक और काम भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सकता हूं ये इश्यूज़ हैं जो के पैदा हो जाते हैं इसी तरीके से मैनेजमेंट एम्प्लॉ क्लाइंट की रिलेशनशिप्स जो हैं उनके हवाले से इश्यूज़ होते हैं चीज ये है कि जी किसी भी महफिल के अंदर किसी भी माहौल के अंदर आपने जिस वक्त काम करना है रहना है कुछ भी करना है उसके कुछ आदाब होते हैं। नेट पे काम करने के लिए चाहे वो ईमेल के हवाले से हो चाहे वो आप एक ईआरपी सिस्टम में काम कर रहे हो या कस्टमाइज इंटेग्रेटेड सॉफ्टवेयर के हवाले में उसमें काम एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो कुछ तरीकेकार है कुछ आदाब हैं नेट पे जिनको के आजकल नेटकेट कहा जाता है एटीकेट से नटिकेट कहा जाता है ये क्या है इनको देखने के लिए समझने के लिए यह कुछ चीजें हैं जो कि जहन में रखनी पड़ती है सबसे पहली बात कि जी दूसरों का वक्त मत जाया कीजिए दूसरों को थ्रेटन मत कीजिए दूसरों के काम में खलल मत पैदा कीजिए डू नॉट वेस्ट अ दीपुल्स टाइम बी डिस Or threaten. Do not take up network storage space with large unnecessary files. Do not look at other people's files or use other systems without permission. When joining a bulletin board or discussion group, check the frequently asked questions file before asking questions. And I think. This should be very relevant to a lot of our students. Remember that online communications lack the physical interaction. Write clearly, spell correctly, and try to use good grammar. Dastaane likhne ki zarurat Short sentences, muktasar baat kijiye, muktasar sentence banaye or likhiye. उससे ज्यादा बेहतर आप अपना मुद्दा जो है वह दूसरे तक पहुंचा सकेंगे डू नॉट शाउट एंडलेसली और नीडलेसली कैपिटल लेटर्स ऑनलाइन एनवायरमेंट के अंदर आर इक्विवलेंट टू शाउटिंग एम्फोसिस जहां देना है वहां पर सोच समझ के स्टार का एस्टरिस का इस्तेमाल करें इटैलिक्स में डाल लें लेकिन हर चीज जो है वो स्टार्स और इटैलिक्स और एस्टरिस्क के साथ नहीं हो सकता अगर डिजिटल सिग्नेचर की फैसिलिटी अवेलेबल है तो मैसेजेस को साइन कीजिए ईमेल एड्रेस जरूर लिखिए हो सकता है कि जो हेडर है आपके ईमेल का वो उन तक ना पहुंचे जिन तक आप वो ईमेल पहुंचाना चाह रहे हैं। जो लोग खामखा, आपको उल्टी सीधी मेल्स भेजते हैं आपसे गुफ्तगु करना चाहते हैं उनकी एंट्री आप रोक सकते हैं टूल्स आर अवेलेबल आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं स्पैम मेल जंक मेल ये तमाम चीजें जो हैं ये इसी हवाले से हैं कि जी आप उनके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं कि जी वो आप तक ना पहुंचे आपका कंप्यूटर उनको रिजेक्ट कर दे आपका आई उनको रिजेक्ट कर Many companies and professional organizations in fact all of them that one can think of, develop their own code of conduct, a code of ethics. And this code of ethics is generally shared with your employees, with your customers, suppliers, as the case may be. IT applications, diversity. उनके एक तो यूजेज की वजह से उनके मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस को कवर करते हैं बहुत सारे एथिकल इश्यूज क्रिएट हो गए जिनमें के प्रिवेसी एक्यूरेसी प्रॉपर्टी और एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज नुमाया प्रिवेसी की जब हम बात करते हैं प्रिवेसी का मतलब क्या है प्रिवसी का ये है कि जी प्रिवेसी जिस एन्वायरमेंट में मैं काम कर रहा हूं जो मैं काम कर रहा हूं और जो मेरा दायरा इख्तियार है उसके हवाले से मुझे जो है वो एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मैं प्राइवेटली वो काम कर सकू लेकिन वो काम मैं चूंकि किसी के लिए कर रहा हूं लिहाजा क्वेश्चन राइजे वट काइंड ऑफ सर्वेलेंस शुड बी यूज बाय एन एम्प्लॉयर और इवन फॉर दैट मैटर एन एम्प्लॉय वॉट थिंग्स शुड बी केप्ट टू वन सेल्स एंड नॉट बी

बहुत सारी चीजें होती हैं उनको हम दूसरे लोगों से को तो देने से किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वट कैन बी रिवील टू अदर्स अबाउट वन सेल्फ इफ वन इज रिक्वायर्ड टू डू सो हम क्या इंफॉर्मेशन अपने बारे में किसी दूसरे को देना चाहते हैं और दे सकते हैं ये प्रिवेसी के हवाले से कुछ इश्यूज एक्यूरेसी हाउ कैन वी इंश्योर That information will be processed and presented properly? Who is responsible for checking the correctness of information collected? Is there any track of errors, omissions made in the database? And who has made them? And at what time? Who is to be held accountable for the changes made in the database, whether authorized or unauthorized, intentional or unintentional? ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं, ये एक्यूरेसी के हवाले से और इन बहुत सारी चीजों का जिक्र हम अपने लेक्चर्स के दौरान वक्तन वक्तन करते रहे प्रॉपर्टी इश्यूज़, इशूज हैज़ हैजू बी अ अलियरली डिफाइंड ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन ये सारी इंफॉर्मेशन हम जिस पे काम कर रहे हैं ये किसकी मलकियत है जब हमारे पास मौजूद है इशूज ऑफ सॉफ्टवेयर पेरे यानी अनऑथथराइज कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल उनका बेचना उनका खरीदना ये भी प्रॉपर्टी के इश्यूज़ आते हैं। यूज ऑफ कॉपरेट कंप्यूटर्स फॉर प्राइवेट मैटर्स हम दफ्तर की मशीनों को अपनी पर्सनल ईमेल्स और पर्सनल कामों के लिए अगर इस्तेमाल करें और फिर सबसे बड़ी बात कि कौन किस किस इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकता है और उसके साथ क्या कर सकता है ये इश्यूज हैं जो कि उस प्रॉपर्टी के बारे में एक्सेसिबिलिटी की बात हुई पहुंचने की बात हुई एक्सटेंट ऑफ एक्सेस टू बी गिवन टू वेरियस इंप्लाइज इन द ऑर्गेनाइजेशन टू द दर डाटाबेस दैट दर्गेनाइजेशन हैज द डेफिनेशन ऑफ राइट्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच पर्सन बहुत जरूरी है सो so, वापस हम आते हैं प्रिवेसी के ऊपर और प्रिवेसी जो है बेसिकली इट इज द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बीइंग सिक्लूडेड फ्रॉम द प्रेजेंस और व्यू ऑफ अदर्स इसका मतलब नहीं ये नहीं कि जी छुप के कहीं किसी बंद कोठड़ी के अंदर मैं काम करूं जहां पे किसी की कोई नजर ना पड़ सके मतलब यह है ये डेटाबेस बेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं और डेटा बेस की यूजेज के हवाले से बात कर रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी उसके मुख्तलिफ जो रिपोर्ट निकलती हैं जो एनालिसिस निकलते हैं उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं द स्टेट ऑफ बींग फ्री अन अनसैंक्शनड इंक्लूजन कोई खाम खा आपके काम के अंदर को चेक तो नहीं कर रहा अनलेस दैट पर्सन इज ऑथोराइज कोई देख तो नहीं रहा कोई झांक तो नहीं रहा हम कमरे में बैठे हैं हम पर्दे खिड़की के जो है वो आगे कर देते हैं ताकि बाहर से अंदर नजर ना पड़े और हम जो कमरे में बैठे इस तरीके से हमने बैठना है बात करनी है जो कुछ भी करना है वो हम अपनी प्रिवेसी में कर सकें द स्टेट ऑफ बींग कंसील्ड सीक्रेसी कि जी ये इंफॉर्मेशन ये डाटा ये तमाम रिपोर्ट्स ये तमाम एनालिसिस, ये सीक्रेट्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, जो के इस डाटाबेस में शामिल हैं, जिस डाटाबेस को हमें पता है कि हैक भी किया जा सकता है जिसमें इंट्रूडर्स भी आ सकते हैं जो कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरीके से ये इंफॉर्मेशन उनको हासिल हो जाए तो उन सबसे हमने अपने आप को बचा के रखना एम्प्लॉइज बहुत दफा डिसग्रंटल हो जाते हैं और वो दानिस्ता तौर पे किसी डेटाबेस के अंदर गलती करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो गलत प्रोड्यूस हो वो किसी गलत लोगों को इजाजत इस बात की दे देते हैं कि वो करेक्शंस कर दें उस डेटाबेस में जबकि वो इजाजत देने के अहल नहीं हैं या नहीं दे सकते राइट ऑफ प्रिवेसी मस्ट बी बैलेंस्ड अगेंस्ट द नीड्स ऑफ सोसाइटी द नीड्स ऑफ दर्गेनाइजेशन Every organization has to decide the area between hiding all and knowing all. And then, of course, the public has a right to know. But what all should be made available to them? और ये पर्टिकुलरली जहां पे ई e गवर्नमेंट की बात होती है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट की बात होती है वहां पे ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ये ये राइट right जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं अपना बैंक अकाउंट देखना चाहता हूं मैं ट्रांजेक्शन देखना चाहता हूं द बैंक मस्ट प्रोवाइड मी द फैसिलिटी टू डू दैट टू फाइंड आउट वॉट माई बैंक अकाउंट और द स्टेट ऑफ माई अकाउंट इज है यूजली पब्लिक एंड इंडिविजुअल्स राइट टेंट टू कॉन्फ्लिक विदि जाता गवर्नमेंट एजेंसी की अपने कंसर्नस हैं उन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी करनी है उन्होंने अनडिजायरेबल्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन भी रखनी है अनडिजायरेबल सोशल एक्टिविटीज का भी इंफॉर्मेशन रखनी है ये तमाम चीजें रखनी है पब्लिक के हवाले से उसके बारे में कुछ तस्वर हो सकता है लेकिन हकूमत के हवाले से कुछ और ख्याल हो सकता है अब प्रिवेसी को थ्रेट्स क्या क्या है जी कोई खाबखा हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कर रहा है हमारी डाटा प्रोफाइलिंग हो रही है ऑनलाइन प्रिवेसी जो है उसमें इंक्लूड कर रहा है वर्क प्लेस मॉनिटरिंग हो रही है बगैर हमें बताए हुए हमें नहीं पता कि जी हमारी हरकत को देखा जा रहा है हमारी गुफ्तगु को सुना जा रहा है हमारे टेलीफोन को सुना जा रहा है लोकेशन ट्रैकिंग बैकग्राउंड चेक फाइनेंशियल प्रिवेसी मेडिकल रिकॉर्ड्स, जेनेटिक प्रोफाइलिंग डिजिटल राइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टैक्सेशन के भी इश्यूज हो सकते हैं और होते इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सीसीटीवी हर जगह पे लगे हुए हैं आजकल कैमरे लगे हुए हैं जी हमने हर जगह पे कैमरे लगा दिए सड़क पे आप चलेंगे आपकी नंबर प्लेट जो है वो कैमरा नोट कर लेगा आपको जो है चालान की कॉपी घर पर आ जाएगी क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है कि यह नंबर प्लेट किस शख्स को इशू हुई हुई है उसका एड्रेस क्या है हमें पता है कि कहाँ रहता है और वो फाइन आपको देना होगा ये बाहर के मुल्कों में हो रहा है वहां पे पुलिस वाला आपको खड़े करके चालान नहीं करता वहां पे वो कैमरेज बैठे जो सड़क पे आपको मॉनिटर करते हैं कि आप क्या ट्रैफिक लॉज की वायलेशन कर रहे हैं ठीक है बहुत सारे लोग हैं सिविल राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं वो समझते हैं कि ये एक इंडिविजुअल की प्रिवेसी को इन्वेड किया जा रहा है और ये जो है ये सही नहीं है हम जिस तरीके से जी जाए लेकिन कोई कानून कोई कायदा कोई तरीकेकार हर चीज का होता है आजादी हर बंद से आजाद नहीं होती फ्रीडम हैज टू बी विद इन डिफाइंड पैरामीटर्स फ्रीडम फ्रीडम टू मूव फ्रीडम टू एक्ट फ्रीडम टू बिहेव freedom to talk and what to talk and to handle information to make amends in that information to generate information to collect information it has all to be done within defined parameters and that has to be strictly controlled otherwise there is possibility of massive misuse data profiling ये क्या चीज है हम हमारे बारे में इंफॉर्मेशन रखी जाती है। जी गैस का बिल इनका कितना आता है पानी का बिल कितना आता है टेलीफोन का बिल कितना आता है बिजली का बिल कितना आता है ये इनके क्रेडिट कार्ड से ये पे करते हैं कैश पे करते हैं कैसे करते हैं अब जब इसका हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो जनाब आपका वो नंबर जो है वो पब्लिक डोमेन में एक तरीके से आ गया अनलेस दैट डोमेन इज वेरी सिक्योर्ड अब आपकी परचेजेस जो आप कर रहे हैं आप पेट्रोल खरीद रहे हैं आप किसी दुकान में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड नंबर मिल गया और अब ऑनलाइन परचेज के अंदर आपने क्रेडिट कार्ड नंबर किसी का इस्तेमाल कर दिया गलती किसी का अपनी अपने अपने नंबर की बजाय किसी और का नंबर दिया वो चोरी कर दिया आपने और उनको जो है वो पैसे ये बिल तो उस इंडिविजुअल को जाएगा जिसका क्रेडिट कार्ड आपने इस्तेमाल किया सो so, ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं, फिर डाटा उस वक्त कलेक्ट होता है जब हम चेक के जरिए भी पेमेंट करते हैं हम सुपरमार्केट में जाते हैं वहां पे भी कार्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो ला, लाजमी तौर पे वो भी किसी के एक थर्ड पार्टी के हवाले हम अपनी इंफॉर्मेशन पर्सनल कर रहे हैं हमारी कार अगर उसमें कोई रेडियो ट्रांसपोंडर लगा हुआ है और वो किसी आ, ऐसे ही जगह में से गुजरती है जहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिक बूथ है जैसे कि बायर होता है और हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया कि जी हाँ ठीक है जैसे मैंने अभी नंबर प्लेट के हवाले से बताया था कि जी इलेक्ट्रॉनिक ली उसको मॉनिटर किया जाता है और आपको चालान आपके घर आ जाता है ये भी एक आपकी प्रोफाइलिंग हो रही है सो so, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम या बहुत सारे काम हैं जो हम करते हैं और वो काम जो है उनके जरिए हमारा ए हर इंडिविजुअल का एक प्रोफाइल क्रिएट किया जा सकता है कि ये 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 ये, ये इनके आदात है और उस प्रोफाइल को फिर लोग मिस कर सकते हैं अगर उसको सिक्योर ना किया हो और इस वजह से प्रिवेसी के इश्यूज़ क्रिएट होते हैकर जैसे मैंने कहा विल पेनेट्रेट मोस्ट सिक्योर मोस्ट सिक्योर फेसिलिटीज चाहे वो मिलिट्री की है चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हैं चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की है उनका हर वक्त कोशिश यही रहती है कि जी किसी तरीके से इंक्लूड करके यहां पर सिचुएशन क्रिएट किया जाए अब जाहिर है कि जी इनके लिए टूल्स क्रिएट किए गए कुकीज का लफ्स हमने सुना है कुकीज़ क्रिएट की जाती क्यों की जाती आइडेंटिटी जो है महफूज रखने के लिए काम किए जाते और बहुत सारे टूल्स और मेजर्स को क्रिएट किया गया जिनका जिक्र हम पहले भी जिस वक्त हम वायरसेस और इंट्रूजन के हवाले से बात कर रहे थे और वेब सिक्योरिटी के हवाले से कर रहे थे उस वक्त हमने ये गुफ्तगु की थी अब दफ्तर के अंदर आइए कि दफ्तर के अंदर जो है वो भी मॉनिटर किया जाता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या हो रहा है ये टेलीफोन एक्सचेंज जी इनको फैसिलिटी है डायरेक्ट कॉलिंग की इनको फैसिलिटी डायरेक्ट कॉलिंग की नहीं है ये मॉनिटर ऑपरेटर के थ्रू होके जाएंगे ई जो है उसको मॉनिटर किया जाता है वॉइस मेल को मॉनिटर किया जाता है कंप्यूटर की स्ट्रोक्स जो आप कर रहे हैं उनको ट्रैक किया जाता है इंटरनल वेबसाइट इंटरनेट जो है उसकी मॉनिटरिंग होती है लोकेशन ट्रैकिंग यूज ट्रैकिंग होती है इंप्लाइज जो है वो स्वाइप कार्ड है बैजेस हैं जिस तरीके से भी है एवरी टाइम दे कम एंड गो आउट ऑफ देर ऑफिस दे हैव टू यूज दैट सेटेलाइट ट्रैकिंग है कंपनी कार्स की एंड पर्टिकुलरली इन दयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो ट्रक्स एक रिफाइनरी से तेल लेके डिलीवरी के लिए मुल्क के बाकी हिस्सों में जाते हैं दे आर ट्रैक्ट थ्रू सेटेलाइट उनके अंदर इस किस्म के आलात लगाए जाते हैं कि उनकी मूवमेंट जो है उनकी हरकत वगैरह कहाँ रुके कितनी देर के लिए रुके किस रूट पे से गए वो प्रिस्क्राइब्ड रूट पे गए कि नहीं गए ये तमाम चीजें जो है वो कंपनी को इंफॉर्मेशन मिल जाती चीज ये है कि जी हर एम्प्लॉयर जो है वो किसी न किसी किस्म की सर्वेलेंस को प्रैक्टिस करेगा एंड दिस इज समथिंग विच शुड बी डिस्क्लोज टू द्लॉ कि जी जिस वक्त कोई शख्स किसी इदारे को ज्वाइन करता है तो उसको बताना चाहिए कि लुक एक्शंस योर मूवमेंट Are being watched. So please do not do anything which will hurt you or your organization. Wireless communications and location tracking, JSMNA, Abizekar, Joe, oil tankers, cell phones, they all can pinpoint KG or they can be used to pinpoint. जी आपकी लोकेशन क्या है उनमें आलात लगे सेटेलाइट के जरिए आप उसकी ट्रैकिंग जो है वो कर रहे होते हो यह जरूरी हो जाता है रिबेट्स आप कितने दे रहे हो कैश अगर कलेक्ट कर रहे हो तो कैश कितना कलेक्ट किया है उसको उसमें से अगर कोई पैसे किसी को दिए हैं तो वो कितने दिए तमाम चीजें जो है ये चेक हो सकती फिर बैकग्राउंड चेक होते हैं लोगों के जी एम्प्लॉई कोई आ, कोई इम्प्लीकेशन देता है कहते हैं जी इसका पता करें कि जी ये पहले कहाँ मुलाजमत करता था क्या करता था आप बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं वो आपका पूरा पूरी तफसील चाहते हैं आप लोन लेना चाहते हैं तो वो लोन के लिए आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन जरूरी है और इसी हवाले से बैंकिंग लोन्स के हवाले से अब एक चीज जो हम सब सुनते हैं जो बिजनेस में है उनको पता है कि ये है और वो है सी रिपोर्ट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर लोन एप्लीकेंट्स क्रेडिट वर्दीनेस ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एज ए रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग इन द कंट्री वो डेटाबेस अपने पास उनके होता है सो तो अगर उनके डेटाबेस पे कोई हैकर कोई इंट्रूडर कोई घुस जाए तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके पास आ सकती है जिससे वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड्स हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है मुख्तलिफ हॉस्पिटल में होती है गवर्नमेंट के इधारों में होती है एजेंसीज के अंदर होती है पुलिस स्टेशन में हो सकती है वो इंफॉर्मेशन मौजूद है एंड दैट कैन मे बी एक्सेस टू दैट हैज बी सिक्योर्ड प्रॉपरली सो यह तमाम चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल प्राइवेसी बैंक इंश्योरेंस कंपनीज ब्रोकरेज फर्म्स ये क्या एक दूसरे के बारे अपने क्लाइंट्स के बारे में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दे सकती है क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्या एक अपने क्लाइंट्स के बारे में दूसरों को इंफॉर्मेशन दे सकती है या नहीं दे सकती क्या आपने उनको इख्तियार दिया कि जी आपकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को पास ऑन कर दें क्या आप कहा रहते हैं आपके मोबाइल नंबर क्या आपका घर का नंबर क्या है आप कौन है क्या है और आप देखेंगे कि जी बहुत सारी ईमेल कई दफा या टेलीफोन्स आपको आते हैं कि जबकि आपने किसी के साथ कोई बात नहीं की होती किसी मौजू के ऊपर और वो आपके साथ मार्केटिंग कर रहे हैं और आप कहते हैं इनको मेरा नंबर कहां से मिला आपके इदारे की अगर कोई डायरेक्टरी छपती है जिसमें उस इदारे एम्प्लॉइज के नाम लिखे हुए हैं उनके एड्रेसेस लिखे हुए हैं और वो अनरिलेटेड लोगों को चली जाती है उससे भी आ, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन अब पब्लिक डोमेन में है जब पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है तो सवाल ये पैदा होता है कि उस डोमेन के अंदर आपने ऑथराइज किया उसकी इस्तेमाल के या आपने खुद इजाजत दी कि ये पब्लिक डोमेन में डाल दें सिक्योर एनवायरनमेंट में मत रखें ये मामला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इस पे बहुत सारे ममालिक के अंदर लेजिस्लेशन हुआ है कि वो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है बैंक्स किस हद तक किसी को क्या दे सकते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स मैं पहले बात कर चुका हूं कि जी इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी अब जेनेटिक प्रोफाइलिंग की बात हो रही है तो ये एक नई चीज है इसके हवाले से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन तमाम इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल के बारे में किसी इदारे के पास हो सकती है उसकी को भी सिक्योर रखना प्राइवेटली प्राइवेट private रखना ये बहुत अहम हो जाता है कि वो गलत हाथ में ना पहुंच जाए वो मिस ना हो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट माइग्रेशन ऑफ प्रिंट म्यूजिक एंड इमेजेस टू द इंटरनेट हैज क्रिएटेड न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड द डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम अब ये चीज ये कि जी मैं अगर किताब लिखता हूं मजमून लिखता हूं या इमेज कोई क्रिएट करता हूं या फोटो किसी और को भेज रहा हूं उसको सिक्योर करने के लिए क्या तरीके का है वो मेरी प्रॉपर्टी है उसको मैंने पब्लिक डोमेन में नहीं मैं किसी को प्राइवेटली भेज रहा हूं इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी स्कॉलर्स जो है वो ये कहते हैं कि जी कॉपीराइट एंड प्राइवेसी जो है ये दोनों आपस में कंपैटिबल है क्यों कि कॉपीराइट की प्रोविजंस कंट्रोल द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटेंट आप खत के जरिए उस चीज को भेज रहे हैं आप इंटरनेट के जरिए भेज रहे हैं एक पार्टी दूसरी पार्टी को भेज रही है इन कॉन्फिडेंस सिर्फ उसके इस्तेमाल के लिए सिर्फ उसके देखने के लिए ये नहीं कि जी सारी पब्लिक जो है वो उस चीज को देख लगे अनलेस आई अलाउ दैट टू हैपन सो इस हवाले से ये बहुत चीज हो जाए म्यूजिक का डाउनलोडिंग है इसके ऊपर भी जो है वो पाबंदी है उसको भी कंट्रोल करना मिसयूज को रोकना ये बहुत आम बन जाता है और इस हवाले से ट्रिप्स विच इज दग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये एक अग्रीमेंट है जो कि डब्ल्यू टी ओ के जितने सिग्नेटरीज हैं वो इसके पाबंद है ये मिनिमल मिनिमम रूल्स प्रिस्क्राइब करता है For international intellectual property law, in order to prevent member nations from using intellectual property as a hidden trade barrier against other nations. Scope or use jo hai intellectual property rights, ka, wo kin pe karta hai? copyright and related rights, trademarks, geographical indications, industrial designs. Patents, layout designs, topographies of integrated circuits, protection of undisclosed information, control of anti competitive practices in contractual licenses. Article ten one TRIPS ka jo hai, it provides that computer programs, whether in source or object code. शैल बी प्रोटेक्टेड एज लिटररी वर्क और उसको नाजायज इस्तेमाल करना जुर्म है पाकिस्तान में इसी हवाले से क्योंकि पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है डब्ल्यू टी ओ का तो यहां पर भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोटेक्शन एक्ट दो हजार पांच पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया जिसमें रूल्स Lay down kiye gaye hai. regarding various forms of data, privacy and consent issues of data subjects whose data is processed Yani un individuals ka un ka consent ke se, Security of Electronic data disclosure and dissemination issues addressing complaints and offences. ये तमाम चीजें जो हैं ये उसमें डिस्कस किए गए एक बहुत बड़ा सवाल जिसके बारे में अभी तक कोई वाजे स्टेट ऑफ अफेयर्स नहीं आया वो ई कॉमर्स के हवाले से पैदा होता है और वो सिचुएशन क्या है वो सिचुएशन ये है कि जो मेरा कस्टमर है वो दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है वो वहां से एक ऑर्डर प्लेस करता है एक वेबसाइट को जिसका कि उसको नहीं मालूम कि वो दुनिया के किस मुल्क में है वो वेबसाइट जो है वो ऑर्डर पास ऑन करती है किसी और मैन्युफैक्चरर को या वेंडर को जो किसी और मुल्क में बैठा है तीन चार मुल्क जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं मिसाल के तौर पे सर्वर जो प्रोसेस कर रहा है ट्रांजैक्शन फॉर एक्सीक्यूशन मे बी लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट मे बी इन चाइना शिपमेंट मे बी मेड इन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम जिस वेबसाइट पे मैं गया था और जहां पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था दैट माइट बी इन ऑस्ट्रेलिया और पर्सन जो पे कर रहा है ऑनलाइन वो पाकिस्तान में बैठा हुआ अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पांच मुल्कों की इन्वॉल्वमेंट आ गई ये जो सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन हुई है जो कि एक की इनकम है किसी ना किस जो शख्स बेच रहा है उसकी इनकम बनती है और जो शख्स खरीद रहा है उसके लिए जरूरी है कि वो उसको डिस्क्लोज अपनी टैक्स अथॉरिटीज को करे और जिसकी इनकम हो रही है वो उस पर टैक्स पे करें टैक्स कहां पे करें सोर्स ऑफ ओरिजिन पे या जहां से ऑर्डर एक्सीक्यूट हुआ है अब ये चीज जो है इसके बारे में चूंकि कोई हतमी फैसला नहीं हो सका दुनिया के लोग तमाम तर लोग जो है वो बैठे टैक्स के एक्सपर्ट्स हतमी फैसला नहीं सो कुछ अरसे के लिए उन्होंने ये फैसला किया कि भाई जैसे चीजें हैं वैसे ही चलनी चाहिए हम कुछ साल के बाद जो है इस इशू को रिविजिट करेंगे एक अमेरिका के अंदर एक स्टेट से हर स्टेट के अंदर अपने टैक्स लेजिस्लेशन है अगर गुड्स फिजिकली मूव करते हैं तो कोई मसला नहीं है लेकिन अगर गुड्स ऑनलाइन मूव करते हैं जैसे म्यूजिक है जैसे एक मैन्यूस्क्रिप्ट है किसी किताब का ये और इस किस्म की डिजिटल चीजें हैं वो जैसा सॉफ्टवेयर है तो उसका इल्म किसको को किसको होगा अगर आप सर्वेलेंस कर रहे हैं तो वह आपने इजाजत के बगैर कैसे कर ली तो वहां पे ये तय हुआ कि जी जहां से ओरिजिनेट जिधर से भी ऑर्डर प्लेस हुआ वहां पे सबसे पहले रिपोर्ट की जाएगी टैक्स किया जाएगा वो ट्रांजैक्शन होगी और जो डिलीवर कर रहा है वो उसके साथ फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने कस्टमर को कॉम्पनसेट करे सो so, कस्टमर के साथ अगर आप कॉम्पनसेट नहीं करते तो एज अ सप्लायर आपका इमेज आपकी सारी रेप्यूटेशन खराब होने खराब होने का खदशा है लिहाजा इट बिकम्स इनकम्बंट Kijidono parties declaration. So these are a lot of issues which have arisen because of the electronics, the electronic information systems that have to be protected, that have to be taken care of and are being taken care of. In lectures, data information base. Basic cheese to wrap up the whole series of lectures is that the development in information technology and the kind of information analysis by way of information systems that we require. Will keep on increasing with the passage of time. For an organization to be successful in business, it has to be absolutely aware of what the market developments are, what the market needs are, and whether they are within themselves building the necessary capacities to meet those challenges. شكريا اور خدا